अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद। मुखातिब हूँ आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज व्लॉग में मेरे पास टोयोटा एल्टस है 1.6 2020 मॉडल, पंजाब रजिस्टर्ड और नंबर भी इससे बड़ा वीआईपी है। 40,000 किलोमीटर चली हुई है। इस कार के अंदर सिर्फ 2 पीस हैं, एक डोर और एक फेंडर जो ड्यू टू स्क्रैच शावर है, बाकी ये टोटल ओरिजिनल और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में है। तो इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप दोस्तों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। तो चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। यूएस टोयोटा क्रोला एल्टस 1.6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 2020 मॉडल है, पंजाब का बड़ा वीआईपी नंबर इस पे लगा हुआ है। गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली हुई है। कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि 21 में जो एंड पे आया था उसमें क्रोला एक्स स्पेशल एडिशन आ गई थी, जिसमें सनरूफ भी आया और विदाउट सनरूफ भी आया, जिसमें फ्रंट बैक का बम्पर का डिफरेंस है, नई न्यू शेप में है। उसके बाद बिग डिफरेंस उसमें यह है कि वो आपको मिल गई उसमें 7 स्पीड। तो ये VVT IE4 स्पीड कार है और कार बड़ी खूबसूरत कंडीशन में। तो मैं आपको इसका फ्रंट दिखाऊं, फ्रंट इसका बड़ा ही ज़बरदस्त है, जिसमें आपको ये स्मॉल शो ग्रिल मिलती है जो इसकी सिग्नेचर शो ग्रिल है, जिसके सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है। हेडलाइट्स आपको मैं दिखाऊँ, इसमें हेलोजिन हेडलाइट्स आती है। इसमें फोग लैम्प इस साइड पर आते हैं लेकिन इसके अंदर फोग लैम्प नहीं है, तो आपको पार्किंग लाइट यहाँ पर मिलती है, ये भी बड़ी खूबसूरत। और ये इसमें लेटेस्ट आयल की आई थी और इसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं। तो ये लाइट एंड टू एंड बम्पर के साथ, ग्रिल के साथ ये क्रोम कंटिन्यू करता है। नीचे आपको ब्लैक गार्निश मिलती है बम्पर के सेंटर में। और राइट प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊं, कंप्लीट सेडान है और पाकिस्तान की ये डीट गाड़ी है। डीट से मुराद ये कि अगर आप लोग, बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने विलेज वाली साइड पे गाड़ी चलानी है तो हमें होंडा नहीं सूट करती, उनकी बात से भी इत्तफाक करता हूँ। क्योंकि ये गाड़ी टोयोटा क्रोला जो है वो अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अलावा किसी विलेज वाली साइड पे भी, जो लाहौर के या पाकिस्तान के जो छोटे गांव हैं, छोटे शहर हैं जिधर रोडें ख़राब है, तो उन रोडों के लिए ये गाड़ी बहुत परफेक्ट है। सस्पेंशन भी इसका बड़ा अच्छा है और लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो इसलिए ये गाड़ी वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये हमारे शहर में भी इस गाड़ी को बहुत पसंद किया जाता है और हाईएस्ट सेलिंग कार है इन पाकिस्तान। तो राइट प्रोफाइल आपको दिखाऊं, कंप्लीट सेडान है। अलॉय व्हील्स आप इसमें देख सकते हैं, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स है, यूकोहामा के इन्होंने ब्रांड न्यू टायर डलवाए हुए। टायर साइज इसमें 205/55R16 आता है। और फेंडर के ऊपर ड्यूल VVTi की बाजिंग इस साइड पे आ जाती है। अब बात करें इसको टायरों की, तो टायर इन्होंने जैपनीज लगवाए हुए हैं, तो लोकल गाड़ियों में जैपनीज टायर डलवा लेने से फ्यूल की एवरेज और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद आपका सस्पेंशन जो है, जहाँ पर लाख किलोमीटर के बाद आपको वो वर्किंग मांगेगा, रिक्वायरमेंट मांगेगा मेंटेनेंस की, तो जैपनीज टायर की क्वालिटी अच्छी हो, टायर अच्छा डला हुआ हो, तो व्यूअर्स यही आपकी गाड़ी जो है सस्पेंशन का काम नहीं निकालती और गाड़ी जो है वो आप समझ लेंगे 1.5 लाख किलोमीटर टायरों को चेंज करवाने से, अच्छी नस्ल का डलवाने से 50,000 किलोमीटर लाइफ और बढ़ जाती है। साइड व्यू मिरर्स आपको दिखाऊँ तो ये इसके मैनुअल साइड व्यू मिरर इसमें आए थे, जिसमें आपको जो है वो इंडिकेटर्स मिल जाते थे और सिर्फ आपका ये जो है वो एडजस्टमेंट आपको मिलती है। की स्टार्ट ये कार है और आपको मैं इसकी की भी दिखाता चलूँ। की भी इसकी न्यू शेप वाली है, जिसमें आपको ट्रंक ओपन करने की भी ऑप्शन आती है और आप यहाँ से इसकी लॉक एंड लॉक की जो बजर है उसको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। डोर लैचेज आप देखें तो इसके बॉडी कलर के साथ मैचिंग डोर लैचेज है। साइड स्कर्ट्स आप देख सकते हैं, क्रोला एल्टस के अंदर साइड स्कर्ट्स आए थे और बैक डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इन्होंने आफ्टर मार्केट टिंटेड करवाए हुए बैक डोर ग्लास। स्क्रीन इसकी टिंटेड नहीं आती, ट्रांसपेरेंट होती है। तो मैं आपको इसका बैक भी दिखा दूं, तो व्यूअर्स बैक से भी ये गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। आपको इस कार के अंदर ABS मिलता है, स्क्रीन आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, आपको स्क्रीन के अंदर यहाँ पर लाइट मिलती है। ट्रंक की बात करता हूँ तो ट्रंक आपको दिखाऊँ, टोयोटा की बैजिंग, उसके बाद आपको इस साइड पर क्रोला एल्टस की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आपको लोगो 1.6 का मिल जाता है। डिगी गार्निश आप क्रोम में देख सकते हैं, आपको मिलती है। और इस साइड पे आपको सुपर एक्स ऑटोमेटिक और यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है। बैक व्यू कैमरा इसमें ओरिजिनल आता है। बैक बम्पर में नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं
और यही अगर वो आपकी स्पेशल एडिशन हो तो उसमें आपका बैग और फ्रंट बम्पर जो वो लेटेस्ट शेप का आया है, और उसके बाद उसमें अलॉय व्हील्स का कलर जो है वो भी चेंज है, गियर का जो मेन चेंज है वो गियर का है कि आपका सीवीटी गियर में वो आपको जो है वो 7 स्पीड मिल जाता है। लेफ्ट प्रोफाइल भी आप देखें तो ये खूबसूरत कार विदाउट एनी स्क्रैच है, और मैंने आपको जो बताया था इसमें आपका ये लेफ्ट का फेंडर जो है वो स्पे हुआ हुआ है, और लेफ्ट का डोर वो भी यहाँ पे एक स्क्रैच पड़ा था। तो अदरवाइज ये बिल्कुल मेंटेन कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री के साथ है, और अगर मैं आपको बल्कि आप अगर इसको लाइव भी आके देखें तो पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी इसमें हुई हुई है, और इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा जो है वो फीचर्स नहीं है। तो चलते हैं हम इस कार को स्टार्ट कर लें, इसका स्टार्टअप भी देख लें, और उसके बाद इसकी लाइट्स को भी देख लें कि इसमें आया हैलोजिन लाइट्स ही हैं या कि पार्टी ने इसमें LED लगवाई है, क्योंकि मैंने अभी लाइटों को ऑन नहीं किया। तो मैं भी आपके साथ ही देखता हूँ स्टार्टअप इसका यूँ आएगा। आपको डिस्प्ले में भी टोयोटा की बाजिंग और नेविगेशन में जो है वो आ जाती है। तो इसकी लाइट्स को विजिट कर लें पहले, फिर हम इसके रूम के एक्सप्लोर करेंगे। फ्रंट हेडलाइट्स आप देख सकते हैं व्यूवर्स, आपको हैलोजीन मिल रही है, नीचे आपको ये खूबसूरत जो है वो लाइट मिलती है पार्किंग, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स लाइट मिल जाती है, ये भी टर्न लाइट आपकी आती है, LED लाइट है इसमें बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे लावा लाइट मिलती है, और आप इसके रेयर लाइट्स देख सकते हैं वो भी खूबसूरत है। तो इसके रूम की तरफ मैं चलूँ तो आपको मैं इसका रूम दिखाऊँ। गाड़ी बहुत मेंटेन है, आपको ये पोर्शन बेस में मिलता है, ऊपर आपको सिल्वर एलुमिनियम मिलता है, और ये भी आपको सिल्वर में मिलता है, ये पोर्शन आपको फैब्रिक में मिलता है, बाकी इसकी डोर पोर्शन जो है वो हार्ड प्लास्टिक में है। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो सेंटर लॉकिंग, उसके बाद ये कंपार्टमेंट विद का होल्डर, 4 स्पीकर्स इस कार के अंदर आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ट्वीटर्स मिलते हैं। फ्लोर मैट आपको दिखाता चलूँ तो क्रोला के ओरिजिनल फ्लोर मैट है, उसके बाद आप इसकी सीट्स देख सकते हैं, आफ्टर मार्केट लेदर करवाया, लेदर की कंडीशन भी अच्छी है और लेदर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेदर के अंदर आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है, बेज रूम में आपको एक कार मिलती है, और आपको इस सेट पे दिखाऊं तो आपकी ये सेटिंग्स आ जाती है जी मिरर की, जिससे आप इसको मिरर को सेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो इसमें कम्बिनेशन है वो बड़ा खूबसूरत है। आपको ये डोर, चारों डोर के अंदर यहाँ से ये पोर्शन स्टार्ट होता है बेज का, और ये भी आता है, और पूरे आपके पैनल में ये पूरी कार के अंदर ये कंटिन्यू करता है। बाकी आपकी अपहोस्ट्री आप देखें तो ये ब्लैक लेदर के अंदर है। स्टीयरिंग व्हील इसका बड़ा खूबसूरत जो है वो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें आपको यहाँ पे भी सिल्वर एल्युमिनियम मिलता है, टोयोटा की बैजिंग आपको मिलती है, बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, एसी वेंट आपको पता है नॉर्मल कार है तो इसमें 4 AC वेंट फ्रंट पे ही आपको मिलते हैं, एक ड्राइविंग साइड पे 2 सेंटर पैनल में, और एक आपको पैसेंजर साइड पे मिलता है। एयरबैग इसमें 2 आते हैं फ्रंट पे, और मैं आपको इसका क्लस्टर दिखाऊँ तो क्लस्टर इसका भी बेसिक में ही है, कोई उसमें खास ऐसे फीचर्स नहीं है। तो आपको ये क्लस्टर के अंदर इसकी माइलेज शो हो रही है जी 10.2 किलोमीटर पर लीटर आपको एवरेज दे रही है, और ये ड्रिवन है जी 37,901 किलोमीटर। तो व्यूवर्स, पेट्रोल की एवरेज की बात करें तो अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं तो लोगों ने 18 का भी बताया हुआ, 20 का भी बताया, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि ये 15 मैक्सिमम 15-16 से ऊपर इसकी एवरेज मुझे नहीं मिली। हो सकता है 18 की भी हो और 20 की भी हो, लेकिन 15-16 इसकी पर लीटर एवरेज है, और शहर के अंदर आपको वही देसी ये 10-11 से ऊपर एवरेज नहीं देती। लेकिन बात करें 1600 CC इंजन और इस कैटेगरी कार के साथ तो ये कंप्लीट सेडान अगर आपको 12-13 की भी एवरेज देती है तो वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये 37,900 किलोमीटर चली हुई, आपको यहाँ पे बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे स्टीरियो की ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, यहाँ से आपको ये मैसेज मिल जाएगा, और ये ड्राइव इन्फो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, और RPM मीटर भी मिलता है। इस साइड पे आ जाए तो आपको यहाँ पे ये वॉच मिल जाती है जी, जो कि टोयोटा में स्टार्ट से अब तक आ रही है, ये आपको इंफोटेनमेंट इसमें ओरिजिनल मिलता है। साइड पे आपको पियानो ब्लैक मिलता है, और ये भी आपको सिल्वर एल्युमिनियम जो वो कंटिन्यू कर रहा है। नीचे आपको नॉब वाला AC मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्स की ऑप्शन आ जाती है, ये कार चार्जर आ जाता है। नीचे ये आपको जो है वो स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है, गियर शिफ्टर आपका ये है, और यहाँ से आप जो है रिवर्स D3-2-1 और रिवर्स, यहाँ से ये आप मैनुअल भी इसको करके चला सकते हैं। और उसके सराउंडिंग भी आप देखें सिल्वर एल्युमिनियम मिल रहा है, हैंडब्रेक आपकी इस साइड पे, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है, सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिलता है, इसको आप उठाएं तो नीचे आपको ये हिडन बॉक्स मिलता है, ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊँ स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, और वैनिटी मिरर आपको सिर्फ सिंगल साइड मिलता है पैसेंजर साइड पे, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। केबल लाइट आपको जो है वो
हेलोजीन मिल रही है और रूम लाइट जो है वो सारी आपकी हेलोजीन नहीं है। फ्रंट इसका बड़ा खूबसूरत है, स्पेस बड़ी अच्छी है और गाड़ी आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह से आपको गाड़ी को ऐसा फील नहीं देगी कि ये जो है वो रफ यूज हुई, वो गाड़ी मेंटेन है। बैक केबिन आपको मैं दिखाऊं तो बैक केबिन में भी आपको वही कंट्रास्ट मिलता है, डोर पोशेस का कप होल्डर साथ कंपार्टमेंट। और इस साइड पे आ जाए तो लेग स्पेस इसकी अच्छी है, थ्री हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। इसको ओपन करें तो यहाँ पे दो कप होल्डर, और इसको उठा दें तो तीन पैसेंजर बड़ा इजीली बैठते हैं। बैक पैसेंजर पे बैक सीट्स के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा जो है वो ट्रे मिल जाती है। फ्रंट केबिन आप एक दफ़ा देख लें और उसके बाद बात करें इसके हेडरूम की, तो कोई शक नहीं बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा बंदा भी बैठ सकता है और लॉन्ग के लिए भी बेस्ट है, शहर के लिए भी बेस्ट है। इसमें कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस करूँ या आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले टोयोटा जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है और हमेशा से हम लोग भी सुनते हैं कि टोयोटा और होंडा पाकिस्तान की वो गाड़ियां हैं जो टॉप पर रही हैं। रीसेल अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रीसेल और पार्ट्स, तो रीसेल में भी ये गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। किसी भी पाकिस्तान के गांव में या किसी भी कोने में आप ले जाएं तो आपको हर बंदा इसकी ऑफर देगा, चाहे वो कम है या ज़्यादा है। पार्ट्स की बात करें तो जनाब वो भी आप लोगों को पता है कि इसमें चीप रेट में इसमें पार्ट्स मिल जाते हैं और हर कोई इन गाड़ियों को समझता है किसी तरह का भी मैकेनिक हो, तो आप लोगों को अगर कोई इशू आ जाता है तो वो इजीली आप किसी भी जगह पर इन गाड़ियों को रोक कर तो मेंटेनेंस करवा सकते हैं। लेग रूम की बात करें, स्पेशियस लेग रूम है, पीछे आपको सॉफ्ट पॉकेट मिल जाती है दोनों साइडों पे, और बैक रूम भी इसका स्पेशियस है। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं, तो आपको ट्रंक की तरफ मैं लेके चलता हूँ, तो ट्रंक मैं ओपन कर लूँ क्योंकि ट्रंक यहाँ से इसका ओपन होता है, तो इसके ट्रंक को हम ओपन कर लें और आपको मैं इसका ट्रंक दिखाऊँ, तो ट्रंक भी व्यूअर्स इसका स्पेशियस है, अच्छे खासे आप इसमें लगेज रख सकते हैं। और उसके नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील और सारी टूल किट मिल जाती है। और मेन जो बात है वो यही है कि लोकल गाड़ियाँ हैं, हम लोग इनको एक्सेप्ट तो नहीं करते कंफर्ट लेवल में, लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इनमें रीसेल जो हर कोई पाकिस्तानी जो है वो सोचता है कि यार ये मैं गाड़ी ख़रीद रहा हूँ तो इसकी रीसेल कैसी होगी, हम लोग ये नहीं सोचते कि ये गाड़ी हम ख़रीद रहे हैं तो हमारा इस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या खसूसियात हैं कि हम इन पे पैसे खर्चें, तो हम लोग सिर्फ वो रीसेल को देखते हैं, फिर उसके बाद पार्ट्स को देखते हैं। और बात कुछ हद तक आप लोगों की ये भी ठीक है कि यार 10 साल चला लें, 5 साल चला लें, जो कि कोई चलाता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो 5-5 साल गाड़ी चलाते हैं, तो चला के कल को हम बेचें तो ये ना हो कि 40-50 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीदी है तो वो रह जाए, 50 की खरीदी तो 40 की रह जाए, 40 की खरीदी है तो 30 की रह जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की जो थिंकिंग है वो भी कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन मैं फिर बात वही करूँगा कि अगर हम इसके सेफ्टी गैजेट पर जाएँ तो आप लोगों को पता है कि इसमें 2 एयरबैग आते हैं। इंजन भी मैं आपको इसका दिखाता चलूँ तो फिर उसके साथ मैं बातों को भी कंटिन्यू करता हूँ। इसका इंजन भी आप देख सकते हैं, ड्यूल VVT आई है और 2020 मॉडल है, ये आप देख सकते हैं टोयोटा की बाजिंग VVT आई इंजन, और कंडीशन 38,000 किलोमीटर चली हुई है, तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें जितना मर्जी आप वेट डाल लें, गाड़ी आपकी किसी स्पीड ब्रेकर पर या किसी ऐसी जगह पर नहीं लगती। और पार्ट्स जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो वो भी बहुत बेस्ट है। प्राइस इसकी बात करें तो इसकी 50 लाख रुपया प्राइस है, 2020 मॉडल की टोयोटा क्रोला एल्टिस 1.6 ऑटो ट्रांसमिशन, 38,000 किलोमीटर से ली हुई, जिसमें सिर्फ एक डोर और एक फेंडर जो है वो शावर हुआ हुआ है ड्यू टू स्क्रैच। अगर आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो फटाफट विजिट करें स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जल्द नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।